दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि UMT डोंगल से जो है अल्टीमेट मल्टी टूल से मैंने सैमसंग मोबाइल का FRP रीसेट किया और ये मोबाइल जो है न्यू मेथड से मैंने रीसेट किया और ये मोबाइल जो सपोर्ट नहीं था इस वजह से इसका जो है बैंडी रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे। और जब बैंडी रिजेक्ट कर देता है मोबाइल का उसके बाद मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है। मोबाइल में प्रॉब्लम ये आता है कि मोबाइल में जो है एक इरर देता है सॉफ्टवेयर अनब्रेक का, ठीक है। दोस्तों कोई भी मोबाइल को अगर आप अनलॉक करते हैं डायरेक्ट अगर वो अनलॉक हो जाता तो हो जाएगा और नहीं होता है तो आपको इस तरह से ये बैंडी रिजेक्ट लिख देगा और मोबाइल में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप किसी भी टूल से या किसी भी मेडिकल टूल से या UMT डोंगल से आप इस तरह से अगर डायरेक्ट अनलॉक करते हैं सैमसंग मोबाइल को तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ जाएगा आपके मोबाइल में इससे आपको जो है फ्लैश नहीं करना है, बिना फ्लैश के ही आप इस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो मोबाइल जब आप इस मोबाइल को ऑफ करेंगे तो ये मोबाइल ऑफ भी नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि मोबाइल का पावर की और वॉल्यूम माइनस और होम की तीनों को आपको सेम टाइम कंटिन्यू आपको प्रेस करना है। उसके बाद कुछ ही देर में जो है आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड ऑटोमेटिक चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको UMT डोंगल में एक FRP टूल है और जो ये अभी हाल ही में आया है तो इस FRP टूल को आपको ओपन करना है इस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों आप इस टूल से जो है आप बहुत सारे सैमसंग मोबाइल का बहुत सारी कंपनी के मोबाइल को जो है आप FRP यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर आप सैमसंग मोबाइल को FRP रीसेट कर रहे हैं और FRP रीसेट नहीं हो रहा है इस तरह से अगर आपका जो है बैंडी रिजेक्ट करता है और आपके मोबाइल को डैमेज करता है तो आप जो है इसी टूल से ही जो है उस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं बिना फ्लैश किए हुए। तो चलिए दोस्तों हम आपको इस टूल को ओपन करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि UMT डोंगल का जो है यहाँ पे जो है FRP टूल मैंने ओपन कर लिया है अपने कंप्यूटर में। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है, ब्रांड यानी सैमसंग कंपनी का मोबाइल है तो सैमसंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इसका मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा, जो भी मॉडल नंबर है इसमें जो भी मॉडल नंबर है और इन सभी मॉडल में अगर आपका जो है ये इरर देता है सॉफ्टवेयर अनब्रेक का तो आप जो है इन मॉडल को आप रिपेयर कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। दोस्तों आप इस टूल के माध्यम से यहाँ से FRP भी रिसेट कर सकते हैं सैमसंग मोबाइल का। अगर FRP रिसेट नहीं होता है, रिजेक्ट करता है बैंडी तो आप जो है आपके मोबाइल को जो डैमेज करेगा तो आप उस मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सॉफ्ट अनब्रेक पे क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिकली जो आपका मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर लगा हुआ रहेगा और आपका मोबाइल जो है यहाँ से जो सॉफ्ट अनब्रेक का जो इरर है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर वो हट जाएगा और आपका मोबाइल कंप्लीट जो है ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।